मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि प्रायर टू क्या है। आप कहते हैं कि इस टॉपिक को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। प्रायर टू का मतलब होता है से पहले। जैसे अगर आपको कहना हो कि डॉक्टर बनने से पहले, या खाना खाने से पहले, यहाँ आने से पहले, इंग्लिश सीखने से पहले, तो यहाँ पर से पहले के लिए आप कहेंगे प्रायर टू। जैसा कि आप पहले सीख चुके हैं, से पहले के लिए आप बिफोर का यूज करते हैं, तो उसी केस में प्रायर टू का भी यूज किया जाता है। हालांकि इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। वर्ड बिफोर प्रायर टू के कंपेयर में ज्यादा इनफॉर्मल है, यानी इसे ज्यादा बोला जाता है। वहीं अगर हम बात प्रायर टू की करें तो एडवांस इंग्लिश में या अक्सर न्यूज़पेपर में आप प्रायर टू का इस्तेमाल देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस टॉपिक को शानदार तरीके से समझ सकें। अगर आपको कहना हो कि एक्टर बनने से पहले सलमान एक टीचर था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सलमान वॉज अ टीचर प्रायर टू बिकमिंग एन एक्टर। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने बोला प्रायर टू बिकमिंग एन एक्टर, यानी एक एक्टर बनने से पहले। अगर आप चाहे तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं सलमान वॉज अ टीचर बिफोर बिकमिंग एन एक्टर। अगर आपको कहना हो कि इंग्लिश सीखने से पहले मैं हिंदी बोला करता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई यूज टू स्पीक हिंदी प्रायर टू लर्निंग इंग्लिश। या अगर आप चाहे तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं आई यूज टू स्पीक हिंदी बिफोर लर्निंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश सीखने से पहले मैं हिंदी बोला करता था। कार खरीदने से पहले मैं बाइक चलाया करता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई यूज टू राइड अ बाइक प्रायर टू बाइंग अ कार। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं आई यूज टू राइड अ बाइक बिफोर बाइंग अ कार, यानी कार खरीदने से पहले मैं एक बाइक चलाया करता था। तो फ्रेंड्स आपने यह सीखा कि जब आपको कहना हो से पहले, तो आप वहाँ पर बिफोर या प्रायर टू का यूज करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप अपना सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद प्रायर टू के साथ आप वो बात बोले जो आप कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये बात शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो से पहले, तो वहाँ पर आप बिफोर या प्रायर टू का यूज करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा, तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।